तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कल का और एक मैच में, जो कि वर्ल्ड कप का सेकंड मैच होगा, जो ये खेला जाएगा दोपहर को खेला जाएगा। तो इस मैच के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। वो मैच है यूएई वर्सेस श्रीलंका के बीच में मैच खेला जाएगा। आई थिंक 6th मैच होगा। तो गाइस, यहाँ पे देख लो, इस मैच में आपको फ्री एंट्री मिलेगा। आप तो यहाँ पे 20 टीम लगा सकते हो, 20 टीम ला के यहाँ पे आसानी से विनिंग कर सकते हो, और उसी विनिंग अमाउंट से आप यहाँ पे 100% मोस्टली यूज़ हो गया, आप आसानी से रियल कैश कमा सकते हो। काफ़ी बड़े ऐप है, काफ़ी अच्छे अच्छे ग्राइंडिंग ऐड हो चुके हैं, तो ज़रूर एक बार ट्राई कर लो गैस। अच्छा ऐप है, मैं पर्सनली आपको रेफर करूँगा। चलो गैस, पहले देते थे दौड़ने को प्लेयर के स्टैट के साथ, प्लेयर स्टैट बाद आपको मैं टीम दिखाऊंगा। तो गैस, पहले देते थे प्लेयर के रिसेंट परफॉर्मेंस के साथ, उसमें पहले आते हैं पतम निसंगा। पिछले मैच में 9 रन बना के आउट हुए थे, उससे पहले 21 रन, उससे पहले 8 रन, उससे पहले 2 मैच में 50+ रन बना के आए थे। प्लेयर बहुत बड़ा है। एक ओपनिंग बैट्समैन है कुशल मेंडिस, नेक्स्ट आते हैं उसमें उनका रिकॉर्ड देख लो, पिछले मैच 6 रन, उससे पहले 54 रन बना के आए थे, और उससे पहले 2 बार डक पर आउट हो गए थे। प्लेयर बहुत बड़ा है अभी। प्रमोद मधुसना पिछले मैच 2 विकेट लिया था, उससे पहले 4 विकेट, उससे पहले 2 विकेट ले गया था। ये भी प्लेयर बहुत बड़ा है, हर मैच अच्छे परफॉर्मेंस करके आता है। और बड़ौका राजपक्षा पिछले मैच 20 रन, उससे पहले 17, उससे पहले 71 रन बना के आए थे। तो प्लेयर बहुत बड़ा है अभी। धनुष गुंतिल का देख लो, पिछले मैच डक पर आउट हुए थे, उससे पहले 17 रन, उससे पहले 1 रन, तो लास्ट 4 मैच में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे। धनुष संघा कैप्टन है श्रीलंका के, पिछले मैच 29 रन, उससे पहले 16, ऐसा इनका परफॉर्मेंस है, पर पिछले 2-3 मैच बॉलिंग नहीं कर पा रहे। महेश सक्सेना पिछले मैच 11 रन बना के आउट हुए थे, पर विकेट एक ही विकेट लेकर आया था, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट लेकर आया था। और नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे अच्छे प्लेयर दिखाऊंगा मैं सिर्फ। धनुष दशमुख चमेरा पिछले मैच 8 रन बना के उड़े थे, उससे पहले और 1 विकेट ले गया था, उससे पहले विकेट नहीं ले गए थे, और उससे पहले 1 विकेट ले गया था। चमिंगा कर्णरत्न ने पिछले मैच 5 रन बनाया था और 1 विकेट ले गया था। और लास्ट में यहाँ पे कोई नए प्लेयर देखेंगे, फर्नांडो को देख लो, ब्रेंडन फर्नांडो पिछले मैच 1 विकेट, उससे पहले 1 विकेट ले गया था। ये था श्रीलंका के, आप देख लेते यूएई का प्लेयर कैसा है। रखो तो यूएई के पहले आते कसिम दाऊद पिछले मैच 15 रन बनाया था, उससे पहले 7 रन, उससे पहले 1 रन बना के आए थे, और विकेट ले नहीं लिया था पिछले मैच, उससे पहले विकेट ले गया था। अहमद राजा पिछले मैच 2 मैच में 3 मैच बैटिंग नहीं आई, पर बॉलिंग में पिछले मैच विकेट नहीं ले गया था, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 2 विकेट ले गया था। और नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे जुनेश सिद्धू के, बहुत बड़ा बॉलर है। पिछले मैच 3 विकेट ले गया था, उससे पहले 0 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 3 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, तो प्लेयर बहुत बड़ा है, हर मैच विकेट ले गया था। अलीशान सर पिछले मैच बैटिंग आई थी, उससे पहले 20 रन, उससे पहले 19, उससे पहले 61 रन, इनका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके आते हैं हर मैच में। और नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे आयन खान, पिछले मैच 5 रन आया था, उससे पहले 2 मैच बैटिंग नहीं थी, पर बॉलिंग से विकेट लिया था पिछले मैच, उससे पहले 0 विकेट, उससे पहले 2 विकेट ले गया था। और यहाँ पे मोहम्मद वासिम पिछले मैच 41 रन, उससे पहले 69, उससे पहले 18 रन, ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके आते हैं हर मैच में। बसिल हामिद पिछले मैच 4 रन, उससे पहले 5 रन, उससे पहले 42 रन, और पिछले मैच विकेट नहीं लेके आया था, उससे पहले 2 मैच विकेट नहीं लेके आया था। चिराग सूरी पिछले मैच 12 रन बना के उठे थे, उससे पहले 9 रन, उससे पहले 5 रन, और एक मैच 39 रन बनाया था। आदित्य अरविंद विकेट कीपर बैट्समैन है, पिछले मैच 18 रन, उससे पहले 9 रन, उससे पहले 2 रन बना के आए थे। और जरूर खान बहुत बड़ा बॉलर है, पिछले मैच 1 विकेट लिया था, उससे पहले 0 विकेट, उससे पहले 2 मैच 2-2 विकेट लेकर 1-1 विकेट लेके आया था। आर्यन लकारा पिछले मैच 4 रन, उससे पहले 13 रन बना के आया था, उससे पहले और बॉलिंग से विकेट ले गया था एक मैच है, और उससे पहले विकेट लेके आया था, 1-1 विकेट ले गया था हर मैच से। और लास्ट में यहाँ पे कार्तिक मैयप्पन आते हैं, जो कि पिछले मैच 1 विकेट लेगा था, और सीपी रिजवान कैप्टन है, एक से 1 रन बना के आउट हो गए थे। तो ये था कुछ प्लेयर के रिसेंट परफॉर्मेंस, प्लेयर ऑन द स्टेडियम में कैसे परफॉर्मेंस करके आ रहे। आयन खान पिछले मैच 5 रन बना के आए थे एक मैच में, बैसिल हामिद 1 मैच 4 रन, राजपक्षा 20 रन, कर्णरत्न 5 रन, चिराग सूरी 12, सीपी रिजवान सिर्फ 1 रन बना के आउट हो गया था, गुरुदिल का डक पर आउट हो गया था, धनुष शंका 29 रन, शिवला 12 रन, चमेरा 8 रन, और कासिम दाऊद 15 रन बना के आउट हुआ था, वासिम 41 रन, और आदित्य अरविंद 2 रन बना के आउट हुआ था। वही बॉलिंग पर आयन खान 1 विकेट ले गया था, बैसिल हामिद 1 विकेट, कर्णरत्न 1 विकेट, चमेरा 1 विकेट, 3 विकेट ले गया था सिद्धू की, मैयप्पन 1 विकेट लिया था, कासिम दाऊद विकेट नहीं लिया था, महेश कृष्णन 1 विकेट, और मधुशंका ने 1-2 विकेट ले गया था। ये था प्लेयर ऑन स्टेडियम, आप देख लेते प्लेयर के फॉर्म कैसा है वो देख लेते। उसमें पहले आते हैं पतम निशांका, पिछले मैच 9 रन, उससे पहले 21 रन, उससे पहले 8 रन, उससे पहले 2 मैच 50+ टिक टॉक परफॉर्मेंस करके आ रहे। अश्विन बंदरा पिछले मैच 40, उससे पहले 30, 27 हर मैच 20-25 रन बना के आते हैं हर रन।
कुशल मेंडिस पिछले मैच 6 रन, उससे पहले 54 रन और उससे पहले 2 मैच डक पर आउट होते। प्रमोद मधुसूदन पिछले मैच 2 विकेट, उससे पहले 4 विकेट, उससे पहले 2 विकेट लेके आए थे। बनुका राजपक्ष पिछले मैच 20 रन, उससे पहले 17 रन, उससे पहले 71 रन, ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके आए थे हर मैच में। गुंथलका पिछले मैच डक पर आउट हुए थे, उससे पहले 17 रन, उससे पहले 1 रन। चंडीमल पिछले मैच 24 रन, उससे पहले 15, उससे पहले 11 और उससे पहले 22 रन, उनका भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। धनुष शंका पिछले मैच 29, उससे पहले 16 रन, उससे पहले 2 रन बना के आउट हुए थे। मैक्स सिक्सेना पिछले मैच विकेट लिया था 1 विकेट, 11 रन बनाया था, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 1 विकेट और उससे पहले फिर से 2 विकेट। प्लेयर बहुत बड़ा है, हर मैच विकेट लेके आता है। चरित्र अलसंग असलंका पिछले मैच डक पर आउट थे, उससे पहले 8 रन, तो उनका भी उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। चमीरा पिछले मैच 1 विकेट और उससे पहले 4 मैच 0 विकेट। और लास्ट में यहाँ पे आए थे चमिका कर्णरत्न, पिछले मैच 5 रन 1 विकेट, उससे पहले बैटिंग नहीं थी, 2 विकेट लेता पर 14 रन 1 विकेट, तो हर मैच विकेट लेके आ रहा बंदा। आप देख लेते यूवी का काशिफ दाऊद का देख लो कैसा है रिकॉर्ड, पिछले मैच 0-15 रन 0 विकेट, 7 रन 1 विकेट और 1 रन। अहमद राजा पिछले मैच विकेट नहीं लेता पर उससे पहले 1 विकेट और 1 मैच 5 विकेट लेके आया था। सुल्तान अहमद पिछले मैच 1 रन, उससे पहले 0 रन 1 विकेट, उससे पहले 2 रन 1 विकेट। बहुत बड़े प्लेयर है जिनेश सिद्धुकी पिछले मैच 3 विकेट, उससे पहले 0 विकेट, उससे पहले 1 विकेट और उससे पहले फिर से 3 विकेट लेके आया था। आयन खान पिछले मैच 5 रन 1 विकेट, उससे पहले 0 रन, उससे पहले 2 विकेट लेके आया था। मोहम्मद वासिम पिछले मैच 41 रन, उससे पहले 69 रन और उससे पहले 18 रन, ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके आते हर मैच में। बैसिल हमिड पिछले मैच 4 रन 1 विकेट, उससे पहले 5 रन, उससे पहले 42 रन, तो बैटिंग बॉय इन दोनों बहुत बड़ा गलत है। चिराग सूरी पिछले मैच 12, उससे पहले 9 रन, उससे पहले 5 रन, ऐसा इनका परफॉर्मेंस है। आदित्य अरविंद पिछले मैच 18 रन, उससे पहले 9 रन, उससे पहले 2 रन, उससे पहले 16 रन। जरूर खान पिछले मैच विकेट लेके आया था, उससे पहले विकेट नहीं लाता, उससे पहले 2 मैच 1-1 विकेट लेके आया था। आर्यन लकारा पिछले मैच 4 रन 1 विकेट, उससे पहले 19 रन, उससे पहले 38 रन 1 विकेट। और कार्तिक मैयप्पन पिछले मैच 1 विकेट, उससे पहले 0 विकेट और फिर से 1 विकेट। और आज लास्ट में सीपी रिजवान पिछले मैच 7 रन, उससे पहले 1 रन, उससे पहले 51 रन की पारी खेल रहे। आप देख लेते हैं प्लेयर वर्सेस टीम, टीम की प्लेस कैसे कैसे है। पहले आते हैं अहमद राजा, एक मैच 9 रन बना गए थे श्रीलंका के खिलाफ। तनुशंका 1 मैच 5 रन। चंदीमल 1 मैच 50 रन बना गया था यूए के खिलाफ। और चमीरा 1 मैच 1 रन। बैटिंग बॉलिंग में अहमद राजा देख लो विकेट नहीं लेता और चमीरा भी विकेट नहीं लाता। प्लेयर बैटल देख लेते, प्लेयर बैटल नहीं है क्योंकि ज़्यादा टीम यहाँ पे ज़्यादा मैच दोनों टीम एक दूसरे से ज़्यादा मैच खेले हैं, तो इसलिए उनका यहाँ पे प्लेयर बैटल नहीं है। अब मैचेस देख लेते ऑन द स्टेडियम, पिछले मैच हुआ था यूएई वर्सेस नीदरलैंड और नाम्बिया वर्सेस श्रीलंका हुआ था। नाम्बिया ने ये मैच जीत की थी श्रीलंका के खिलाफ। तो आप देख लेते बैटल सॉरी टीम दोनों के बीच में कैसा कौन सा परफॉर्मेंस हुआ था। एक मैच हुआ था 2016 में, उसमें श्रीलंका ने 14 रन से मैच जीती थी। वो स्कोर कार्ड देख लो, उसमें दिनेश चंदीमल 50 रन बनाया था, दिलशान 27 रन। ये बहुत पुराना मैच है तो देखना पड़ेगा। श्रीवर्धना 6 रन, धनुषंका 5 रन, मैथ्यूस 8 रन, जयसूर्या 10 रन, कप्पे गुड्डा 10 रन, कुलशेखर 7 रन। और बॉलिंग पे यहाँ पे नवीट 2 विकेट, ये जावेद 3 विकेट, मोहम्मद शहजाद 2 विकेट और मुस्तफ़ा 1 विकेट लेके आया था। वही यूए के मुस्तफ़ा 0 रन, कलीम 7 रन, मोहम्मद शहजाद 1 रन, मुस्मान 6, अनवर 13, एस पटेल 37, एक हाइडर जावेद 13 और 10 रन बना के नवीट। बॉलिंग में लसित मलिंगा 4 विकेट लेके आया था, कुलशेखर 3 विकेट और आर हेथ 2 विकेट लेके आया था। तो ये तो एक बहुत पुराना मैच था हेड टू हेड का, तो और कोई मैच नहीं मिला, वही मैच हुआ था, तो इसलिए वही मैं आपको दिखा। चलो अगर टीम देख लेते आप, मैं ऑलरेडी एक टीम बना चुका हूँ तो मैं उसको एडिट करके दिखाऊंगा कैसा है मेरी टीम। चलो टीम पहले देख लेते। तो आज एक मेरी स्मॉल टीम रहेगी। पहले इस टीम में मैंने यहाँ पे 3 बैट्समैन लेने जाता हूँ, वासिम मोहम्मद, बनुका राजपक्ष और पतन निशंका। वासिम मोहम्मद हर मैच अच्छे परफॉर्मेंस करके आता बंदा, यहाँ पे देख लो उनका रिकॉर्ड। पिछले मैच में उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ 41 रन की पारी खिलाया था, उससे पहले वार्म अप मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ 69 रन बनाया था और उससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ देख लो 18 रन और उससे पहले 1 मैच 15 रन। तो प्लेयर बहुत बड़ा है, हर मैच अच्छे परफॉर्मेंस करके आता है, इसलिए मैं उनको लेने देता हूँ। नेक्स्ट बनुका राजपक्ष, ये भी प्लेयर बहुत बड़ा है, ये भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके आता है। पिछले मैच से देख लो फ्लॉप हुई जैसे 20 रन बना के उठे थे, उससे पहले 17 रन, एक कैच पकड़ा था। उससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ 71 रन की पारी खेल आए थे और उससे पहले 24 रन। तो प्लेयर बहुत बड़ा है भी, ये भी हर मैच रन बना के आए थे, इसलिए मैं इनको लेना चाहता हूँ। और लास्ट बैट्समैन यहाँ पे रहेगा मेरा पदम निशंका। पदम निशंका ओपनिंग बैट्समैन है, अच्छा बैट्समैन है। पिछले मैच से फ्लॉप हुई थे, सिर्फ 9 रन बना के आए थे, उससे पहले 21 रन
उससे पहले 8 रन, उससे पहले 55 रन की पारी खेली गए थे पाकिस्तान के खिलाफ। तो प्लेयर बहुत बढ़ाएगी, ये भी ओपनिंग बैट्समैन हर मैच अच्छे परफॉर्मेंस करके आता है, तो इसलिए मैं इनको लेना चाहता हूँ। ये रही मैं 3 बैट्समैन। विकेट पोजिशन में मैं लूँगा कुशाल मेंडिस को ले रहा हूँ, क्योंकि कुशाल मेंडिस एक बहुत बड़ा बैट्समैन है, प्लस विकेट भी करेंगे तो उसको भी पॉइंट आएगा। पिछले मैच 6 रन 2 कैच पकड़ा था, उससे पहले 54 रन, उससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ फ्लॉप हुए थे और 2 मैच फ्लॉप हुए थे, पर प्लेयर बहुत बड़ा है, विकेट भी करेंगे प्लस बैटिंग भी अच्छा कर लेता है, इसलिए मैं इनको लेना चाहता हूँ। वहीं यहाँ पे ऑलराउंडर में 3 ऑर्डर लिया मैं, वानी डो हसरंगा, बैसिल हमिड और चमी का कर्ण रत्न। हसरंगा बहुत बड़ा स्पिन बॉलर है, पिछले मैच 1 विकेट ले गया था, उससे पहले वार्म अप में 37 रन पर विकेट नहीं ले गया था, और एशिया कप में 36 रन 3 विकेट ले गया था, और उससे पहले मैच 10 रन 3 विकेट, तो ये हर मैच विकेट ले गया था, प्लस बैटिंग भी अच्छा कर लेता है, तो इसलिए मैं इनको लेना चाहता हूँ। बैसिल हमिड एक प्लेयर बहुत बड़ा है, बॉलिंग बैटिंग दोनों बहुत बड़ा कर लेता है, पिछले मैच 4 रन 1 विकेट लेता है, उससे पहले 5 रन विकेट नहीं लेता, उससे पहले 42 रन बनाया था और 1 मैच 2 रन बना के आउट होता था, पर प्लेयर बहुत बड़ा है, बैटिंग भी करता है कभी कभार और बॉलिंग भी विकेट लेके आता है। और लास्ट में मैं चमी का कर्ण रत्न को ले आऊँ, कर्ण रत्न भी एक बहुत बड़ा बॉलर है, पिछले मैच 5 रन 1 विकेट ले गया था, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 14 रन 2 विकेट, तो हर मैच विकेट लेके आ रहा बंदा, प्लस बैटिंग भी चांस मिले तो बैटिंग भी अच्छा खासा कर लेता है, एक फिनिशर तौर पर आता है, इसलिए मैं इनको लेना चाहता हूँ। आप उनकी जगह यहाँ पे तनुज शंकर या आयन खान को ले सकते हैं। वही यहाँ पे बॉलिंग से मैं 4 बॉलर लिया मैं, पहले जुनेश सिद्दीकी मस्ट पिक कहूँगा, क्योंकि हर मैच विकेट लेके आया था बंदा, पिछले मैच देख लो 3 विकेट लेके आया था, उससे पहले 5 विकेट लेके आया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ वार्म अप मैच में, और उससे पहले 11 रन विकेट नहीं लेके था, उससे पहले 1 विकेट लेके आया था, तो प्लेयर बहुत बड़ा है, ये भी हर मैच विकेट लेके आता, तो इसलिए मैं इनको लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट मैं लूँगा प्रमोद मधुसेना, मधुसेना पिछले मैच थोड़ा इंप्रेसिव पारी खेल गए थे, 2 विकेट लेके आया था 6 डॉट बॉल करके, उससे पहले 4 विकेट और उससे पहले 2 विकेट, तो हर मैच विकेट लेके आया बंदा, तो इसकी वजह से मैं इनको लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट मैं लूँगा महेश टिक्सना, टिक्सना भी बहुत बड़ा बॉलर है, स्पिन बॉलर, पिछले मैच 11 रन बनाया था प्लस 1 विकेट लेके आया था, उससे पहले 2 विकेट लेके आया था और उससे पहले 1 विकेट, तो हर मैच विकेट लेके आ रहा है बंदा, यहाँ पे रिकॉर्ड देख लो उनका, हर मैच विकेट लेने की वजह से मैं इनको लेना चाहता हूँ। और लास्ट में मैं यहाँ पे जरूर खान को लूँगा, जरूर खान एक बहुत बड़ा बॉलर है, स्पीड बॉलर, पिछले मैच 1 विकेट लेके आया था नीदरलैंड के खिलाफ, उससे पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी 2 विकेट लेके आया था और उससे पहले फ्लॉप हुए थे बांग्लादेश के खिलाफ, तो प्लेयर बहुत बड़ा है, हर मैच विकेट लेके आया था बंदा, इसकी वजह से मैं इनको लेना चाहता हूँ। तो ये मेरी स्मॉल लीग टीम रहेगी। वही कैप्टन वाइस कैप्टन बात करें तो स्मॉल लीग के लिए कैप्टन मेरा यहाँ पे वानी डो हसरंगा का कैप्टन बनाऊँगा, और मैं वाइस कैप्टन बनाऊँगा यहाँ पे बैसिल हमिड को। तो अगर एक मेरे स्मॉल लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन होगा, ग्रैंड लीग के लिए यहाँ पे राजपक्षा और प्रधानमंत्री कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, वासिम अहमद चमी कर्नाटक ये भी ग्रैंड लीग के लिए हो सकता है, और सिद्धू की प्रमोद मधुसंगा ये भी ग्रैंड लीग के पिक हो सकता है, पर अभी के लिए स्मॉल लीग टीम बना रहा हूँ, इसलिए मैं हसरंगा कैप्टन वाइस कैप्टन बैसिल हमिड को बना रहा हूँ, एक मेरी स्मॉल लीग टीम रहेगी। और यहाँ पे फ्री एंट्री ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।